दोस्तों, जीमेल का यूज़ हम लोग सब अपने फ़ोन में करते हैं, लेकिन दिक्कत हमें तब आती है अगर हमें कभी भी अपना जीमेल आईडी का नाम चेंज करना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे नवीन सिंह है और मैं अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यानी कि नवीन सिंह कलूरा। तो दोस्तों, कैसे आपको अपने जीमेल का नाम चेंज करना है और साथ ही साथ में आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफर टेक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बेल आइकन नज़र आ रही है, इसको भी यहाँ पर दबा के ऑल पे कर दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों नीचे आकर आप एक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको जीमेल नेम एंड पासवर्ड चेंज आपको यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करना है और इसको सबमिट करना है। बस दोस्तों, यहाँ पे इतना सा आपको करना है और अब आपको वीडियो पूरी देखनी है तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जीमेल पर नाम और पासवर्ड चेंज करना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे थ्री डॉट में, आपको यहाँ पे नज़र आएगा थ्री डॉट, और यानी कि थ्री लाइन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पर जाएंगे तो इसके बाद आप यहाँ पे अपने जीमेल आईडी की सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आपको क्लिक करना है और जैसे आप सेटिंग में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपकी जीमेल एड्रेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों, आपको अपने जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहला वाला ऑप्शन नज़र आता है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे सेटिंग्स नजर आएंगी, आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहां से कोई कंफ्यूजन लगे, आपको सेटिंग नहीं मिल पाती है, तो दूसरा भी तरीका है, आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से गूगल ढूंढ लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल हमारी सेटिंग में है और आपके फ़ोन की सेटिंग में भी गूगल आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपको आपके सामने यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट नज़र आ रहा है, आपको इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे नज़र आएंगी आपकी डिटेल, तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों पर्सनल इन्फो में। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फो में जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज आएगा। अब हम दिखा देते हैं आपको कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक पेंसिल नज़र आएगी, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब चाहे तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, अब चाहे तो यहाँ से पूरा का पूरा भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहला मैं कैपिटल लेटर अपना एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद सरनेम और उसके बाद पूरा नाम मैं अपना एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से चेंज करके डन कर देंगे, अब आपका नाम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर भी इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला है अपना अब तक जीमेल में, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस इस तरीके से आपको नज़र आएगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको अगर अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आपको इस तरीके से इस साइड को आना होगा, यानी कि आपको इस साइड करना है और आपको सबसे ऊपर जो है सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप सिक्योरिटी के ऊपर जाएंगे, अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे नज़र आएगा पासवर्ड। अब आप देख सकते हैं ये एक पासवर्ड का ऑप्शन है और आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे एक नया पेज आपके सामने खुल के आता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका
पासवर्ड क्या है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वही आएगा कि आप अपना यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड वाला पासवर्ड एंटर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना ओल्ड वाला पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। आपको भी इसी तरीके से सबसे पहले अपना पासवर्ड एंटर करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना नया पासवर्ड क्या रखना है, और आपको यहाँ पे चाहे तो आप विजुअल भी देख सकते हैं कि आप पासवर्ड एक्चुअल में क्या एंटर कर रहे हैं। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और वही पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने यहाँ पे नया पासवर्ड बना लिया है और वही पासवर्ड हमने दोबारा से यहाँ पे एंटर किया है। अब हम डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे सेव पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। आपको इसी तरीके से पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना जीमेल आईडी पर नाम और पासवर्ड को इजीली चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग खुश रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।